कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदू ही नहीं अपितु जैन व बौद्ध धर्म के लिए भी आस्था का केंद्र है। मन में आशुतोष भगवान भोलेनाथ के दर्शनों की अभिलाषा लिए पूरे भारत से यात्री सबसे पहले दिल्ली के गुजराती समाज सदन पहुंचते हैं। ओम नमः शिवाय। दिल्ली में यात्रियों को 3 दिन की प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसमें मेडिकल चेकअप व वीजा की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। कल रात्रि की भजन संध्या का उत्साह और भोले बाबा से मिलने की उत्सुकता के साथ सभी यात्रियों को आज सुबह धार्मिक भक्तों द्वारा माला व पटका पहनाकर दिल्ली से रवाना किया जाता है। प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन विघ्ननाश। उत्साह में नाचते गाते ओम नमः शिवाय का जय घोष करते हुए यात्री दिल्ली से गाजियाबाद पहुंचते हैं, जहां यात्रियों का भव्य स्वागत होता है। दोपहर तक हमारी बस KMVN काठगोदाम पहुंचती है, जहां अभिनंदन कर यात्रियों को भोजन कराया जाता है। आगे की यात्रा पहाड़ी रास्तों से होते हुए भीमताल व भोवाली की मनोरम वादियों का अवलोकन करते हुए कैंची धाम, नीम करोली बाबा व गोलू देवता के प्रसिद्ध मंदिरों के यात्री दर्शन करते हैं। मन में कैलाश दर्शन व मानसरोवर की भक्ति की लहरों में खोए यात्री ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए श्याम अल्मोड़ा पहुंचते हैं। ओम नमः शिवाय। ITBP मिर्थी के भव्य स्वागत का धन्यवाद कर हमारा कारवां धारचूला की ओर बढ़ता है। आज धारचूला से 60 किलोमीटर जीप से नारायण आश्रम और 6 किलोमीटर ट्रैक करके सिरका पहुंचना है। भूत में है खजाना कुबेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का,
चपटी बभूत में है खजाना कुबेर का, है गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू ओमकार तू, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तू, कैलाश के निवासी नम बार बार नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय। सुंदर और घने जंगलों से 16 किलोमीटर ट्रैक करते हुए आज गाला पहुंचना है। ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय। वो सामने नेपाल है, ये नीचे जो बह रही है, ये सामने पहाड़ नेपाल है अंकल। आज गाला से बुद्धि 18 किलोमीटर काली नदी के साथ ध्यान पूर्वक यात्रा करनी है। आज का रास्ता कठिन वे जिसमें 4,444 सीढ़ियां उतरनी हैं। लखनपुर व मालपा में नाश्ते और खाने की व्यवस्था होगी। जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो महादेव। सुंदर व मनोरम अम्ब्रेला फॉल व प्रकृति के नज़ारों का आनंद लेते और कुछ देर आराम करके यात्री अपनी थकान दूर करते हैं। अगर जैसे मैं ग्रुप से जानना चाहता हूँ, सपोज जैसे कि भाई दारू चरा में हम लोग वहाँ पे जैसे वो बता रहे हैं गणेश जी की भाई आदि क्लास के भी ग्रुप्स आते हैं कि देयर इज नो अकोमोडेशन अवेलेबल इन दारू चरा फॉर टू नाइट्स बिकॉज यू आर सपोज टू कम फॉर ओनली वन नाइट, तो इज द ग्रुप रेडी टू पे सम मनी फॉर मेकिंग ऑल्टरनेट अरेंजमेंट इन दारू चरा फॉर वन नाइट? और जय शिव शंभो करो सारे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ठीक है, आज का हमारा पड़ाव 17 किलोमीटर चलकर गुंजी है। रास्ते में गर्भ्यांग व सुंदर चियालेख घाटी आती है जिसे देखते ही हर यात्री की थकान दूर हो जाती है। महादेव शंभो महादेव शंभो। गुंजी में 2 दिन का पड़ाव होता है जहां हमारी दोबारा जांच ITBP डॉक्टरों द्वारा की जाती है। गुंजी से चलकर काला पानी में माता काली के दर्शन कर हर यात्री थकान मुक्त हो जाता है। वे आगे की यात्रा प्रारंभ करके नविढंग पहुंचता है। नविढंग से ही प्रसिद्ध ओम पर्वत दर्शन कर यात्री मग्नमुग्ध हो जाते हैं। तत्पश्चात भोजन व भजन कीर्तन करते हैं। राजेंद्र भैया बीजी भाई अभी लेता हूँ आपको पर घुमाने। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
हरिओम हरिओम। वीडियो है क्या? या ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। यहाँ पे आपको खड़े हुए साथ आ रही है, आपको हर जगह साथ है। सही बात है भाई, हमारे बैच में बहुत कम लोगों ने किया, हमारे बैच में पोनी भी नहीं थे, 10 पोनी से तुम लोग ऊपर आए। 10 पोनी थे हमारे पास और मुश्किल से 20 या 22 पॉटर, बस सब आराम से आए। वेरी गुड। आज नवी ढांग से रात्रि 2 बजे आगे प्रस्थान कर ठंडी शीत लहरों व हिमादित पर्वतों का अवलोकन करते हुए लिपू लेक पास एलओसी पार कर तिब्बत में यात्री ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बर्फ पर लगभग 6 किलोमीटर चलकर बस तक पहुंचते हैं। आज का दिन काफी कठिन रहा। ओम नमः शिवाय। हम तिब्बत के पठारों की सैर करते हुए उलन होटल टकलाकोट पहुंचते हैं। टकलाकोट में ही डॉलर व युआन जमा एवं एक्सचेंज करके कैलाश परिक्रमा की योजना तैयार करते हैं। Otherwise also I can tell you I have spoken to the LO in between और पहले वाले LO से मैंने कमांडर एटीपी की बात करी। अब हम दारचैन की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में राक्षसताल व पवित्र मानसरोवर और कैलाश की पहली झलक भक्तों को होगी। राक्षसताल माना जाता है कि रावण ने राक्षसताल में ही कड़ी तपस्या कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। सभी यात्री पवित्र मानसरोवर के दर्शन कर स्नान करके पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि मानसरोवर ब्रह्मा जी ने मन से उत्पन्न किया और भगवान विष्णु के निवास स्थान क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वह गौरीकुंड दर्शन मात्र से ही जन्मों के पाप मिट जाते हैं। मैं अकेला ही गौरीकुंड जल लाने नीचे उतर गया। आज की यात्रा सच में थका देने वाली थी। जुंजुईपू कैंप से हमारा कारवां क्यूगू मोनेस्ट्री वे मानस के लिए रवाना होता है। 8 किलोमीटर ट्रैक कर हमें बस मिल जाती है, जहां सभी यात्रीगण एक दूसरे के गले लग बधाई देते हैं। पवित्र मानसरोवर झील में स्नान कर यात्री आराम करने चले जाते हैं, पर कुछ यात्री आज जागने का निश्चय कर लेते हैं। कहा जाता है कि रात्रि में देवी देवता दिव्य प्रकाश रूप में स्नान करने आते हैं। रात्रि में दिव्य प्रकाश के दर्शन कर जीवन धन्य हो गया। सुबह पता चला कि काफी यात्रियों को दिव्य प्रकाश दर्शन प्राप्त हुए। लंच में बाबा जी आप क्या कह रहे हैं, क्या करते हैं? मैं नहीं पक्का रसोई, मतलब क्या क्या चीजें आ जाए। अब मानसरोवर पर हवन पूजा अर्चना की तैयारी की जाती है। हवन की पूर्ण आहुति के तत्पश्चात ही बादलों की छटा से ढके पावन कैलाश व मानसरोवर के एक साथ दर्शन प्राप्त होते हैं, जिससे मन पुलकित हो उठता है। सच में कैलाश मानसरोवर यात्रा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। यह तो भक्ति की गहराइयों में डूबकर केवल अनुभव की जा सकती है। सुबह स्नान कर सभी यात्री बस द्वारा केजिया मंदिर के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में सप्तऋषि पर्वत, यहां से मानसरोवर व राक्षस ताल दिखाई पड़ते हैं। वीर जोरावर सिंह की समाधि को नमन कर हम कोजरनाथ मंदिर पहुँचते हैं। सुगंधि पुष्टि वर्धन पूर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीय मामृता अब हमें लिपु पास भारत वापस लौटना है। दिल में कैलाश मानसरोवर की यादों को संजोए हमारी यात्रा संपूर्ण होती है। वापस लौटने का रास्ता वही है जिस प्रकार हम यहाँ पहुँचे हैं। वापस लौटते समय नाविढांग पर बहुत सुंदर ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। धारचूला पहुंचकर हम सभी बहुत प्रसन्न एक दूसरे को बधाई देते हैं। हमारे एलो सर ने बताया कि पिथौरागढ़ होते हुए हमें जागेश्वर धाम व पाताल भुवनेश्वर जैसे दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे। परमेश्वरम शिवम परमेश्वरम सर्वेश्वरम विश्वेश्वरम शिवम।
भयंकरं प्रलयंकरं मृत्युंजयं आज हमें वापस दिल्ली पहुंचना है। गढ़ गंगा के पास कैलाशी गुलशन भाई हमारा स्वागत करते हैं। एक माला में बंधे सभी यात्री आंखें नम किए एक दूसरे से मिलते हैं। वे अपने घरों के लिए प्रस्थान करते हैं। यदि यात्रा वृतांत पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।